ख्वातीनों हज़रात, जैसा कि इससे पहले भी हम उर्दू के अहम अदीब और शायर की योम वफ़ात पर, योम पैदाइश पर किसी अहम शख्सियत से गुफ्तगू कर चुके हैं, आप वो गुफ्तगू देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सब कुछ हम अपने लिए और आपके लिए ही करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी और उर्दू नसर के हवाले से लोगों को जानना चाहें, उनकी तख्लीकात, उनकी शख्सियत के बारे में। आज सुरेंद्र प्रकाश, उर्दू के नहायत ही अहम अफसाना निगार, उनकी योम पैदाइश है। प्रोफेसर शमीम हनफी साहब हमारे साथ हैं, सुरेंद्र प्रकाश के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उस ज़माने में जो लोग लिख रहे थे, एक सरसरी जायज़ा उससे पहले का और उसके बाद का। शमीम साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सुरेंद्र प्रकाश पे हम बाद में आते हैं, मंटू का अहद, मंटू, कृष्णचंद्र, बेदी, इस्मत आपा, ये सब लोग लिखने वाले हैं, इसके फ़ौरन बाद अनवर सज्जाद, एनी आपा, सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहंद्रा, ये सब लोग आते हैं। कुछ थोड़ा सा आप उस ज़माने में जो सूरत हाल थी तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक के बाद की सूरत हाल, ये जिसमें ये 3-4-5 अहम नाम लिखने वाले हमारे सामने आते हैं, उस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए जमरुद साहब, आपने थोड़ी सी जल्दबाजी से काम लिया कि मंटो, बेदी, इस्मत और कृष्णचंद्र के फौरन बाद आपने कुरतुल्ला हैदर और उसी के साथ साथ सुरेंद्र प्रकाश का जिक्र छेड़ दिया। वाकया ये है कि वो तो उर्दू अफसाने का सबसे रोशन दौर था, मंटो, बेदी, इस्मत और कृष्णचंद्र का, और उस दौर की बुनियाद एक तरीके से रखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। इसके बाद जो कहना चाहिए, जो दौर शुरू होता है, वो दरअसल इंतज़ार हुसैन और कुरतुल्ला हैदर का है, आज़ादी के फौरन बाद जो शुरू हुआ। और ज़ाहिर है कि ये भी अजीब इत्तफाक है कि इंतज़ार साहब पाकिस्तान चले गए तकसीम के बाद और ऐनी आपा यहाँ रह गई। ये गोया के पूरा दौर जो है वो इन्हीं से मंसूबे, इन्हीं दोनों से, इस पाए का लिखने वाला कोई और हमें नज़र नहीं आता उस पूरे ऐब में। ज़ाहिर है कि इंतज़ार साहब और कुरतुल्ला हैदर के साथ जो लोग उम्र के एतबार से थोड़े से छोटे बड़े हैं, या जिनका जिक्र हो सकता है, वो अशफाक अहमद हैं और अब्दुल्ला हुसैन हैं, ये लोग हैं सबके सब। लेकिन ये कि इसके बाद मेरा ख्याल है कि नए अफसाने का सिलसिला शुरू होता है, जहाँ कहना चाहिए कि प्रेमचंद की रवायत से और कुरतुल्ला हैदर और इंतज़ार हुसैन दोनों की रवायत से एक इन्हराफ का सिलसिला शुरू होता है, नई कहानी जन्म लेती। और ये नई कहानी जो है, ये दरअसल पुरानी कहानी को उसकी हैत और उसलूब के एतबार से, ज़बान के एतबार से, उसके मौजूआत के एतबार से, उसके मसाइल के एतबार से, गोया के न सिर्फ ये उसको रिजेक्ट करती है बल्कि एक अपनी एक नई बुनियाद कायम करना चाहती है। और ये बड़ा अजीबोगरीब कहना चाहिए सर्वतमंद दौर रहा है। इसे सर्वतमंद जिन लोगों ने बनाया, उनमें सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहंद्रा, जोगेंद्र पाल, इकबाल मजीद, अनवर अजीम, कहना चाहिए कि ये पूरा एक सिलसिला जो बनता है, समी आहूजा, खालदा हुसैन, बहुत से नाम हैं। मुझे ख़ास तौर पर जो इस वक्त जो आपके मौजू से दिलचस्पी हुई, यानी सुरेंद्र प्रकाश से, वो दो वजहों से। एक तो ये कि सुरेंद्र प्रकाश से मेरे ज़ाती मरासिम थे, फिर ये कि दिल्ली की तहजीबी और अदबी ज़िंदगी में, अदबी माशरे में सुरेंद्र प्रकाश के उड़ जाने से बड़ा सन्नाटा पैदा हो गया। यहाँ जिस कमरे में इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता नहीं कितनी शामें, कितनी सुबहें याद आईं। सुरेंद्र प्रकाश की करीबी उनकी ससुराल थी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मेरी कॉलोनी के बाद वो सड़क जो है, बस उसको क्रॉस कीजिए और जहाँ आप जाते हैं उसी में उनका मकान, उनके ससुराली रिश्तेदारों का, आ जाते थे वो। उस जमाने में एनी आपा भी यहाँ रहती थी। कभी कभी तो ये हुआ कि दिन में आ गए वो, फिर ये हुआ कि मैंने एनी आपा को इत्तला दी आते हैं। और ये वक्त एनी आपा को बहुत दिलचस्पी थी इस तरह की बातों से, और बहुत ही मज़े मज़े की बातें वो भी करती थी, सुनने का भी शौक था।
रॉसिपी गवर्नमेंट, तो संदर प्रकाश आ जाते थे और कभी कभी तो वाकई पूरा दिन गुजर गया इसी में। लेकिन खैर वो एक अलग कहानी है स्वतंत्र प्रकाश के यहाँ आने की और जो उनसे गुफ्तगू हुआ करती थी। मैंने आपसे कहा कि दिल्ली की तहजीबी जिंदगी में उर्दू के वास्ते से जो माशरती जिंदगी थी जमाने की, उसमें स्वतंत्र प्रकाश का बड़ा नुमाया रोल था। उनके बहुत सहबाब उस सब यहाँ मौजूद थे। स्वतंत्र प्रकाश के साथ जिन लोगों के नाम फौरन याद आते हैं उनमें दोस्तों के, उनमें जुबैर थे, जुबैर रिजवी, महमूद हाशमी थे, एक स्वतंत्र प्रकाश के दोस्त थे केवल सूरी यहाँ पर थे, और एक कहना चाहिए कि देवेंद्र सर थे, और एक पूरा एक हलका था बल्लाज मैनरा। देवेंद्र सत्यार्थी उम्र में बहुत बड़े थे लेकिन ये कि इसी हलके के एक फर्द वो भी थे और हम लोगों के साथ बड़ा वक्त उनका भी गुजरता था। तो ये समझिए कि इतनी चहल पहल और रौनक जो आपको सन्नाटा वीरानी, एक कहना चाहिए कि एक थकन और मायूसी की जो पूरी फजा दिखाई देती है दिल्ली के अदबी माशरे पर, इस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। ये लोग हैं अब भी लिखने वाले यहाँ बहुत से हैं और बड़ी तादाद में है मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले जो दिल्ली में आकर सेटल हो गए। लेकिन ये कि कहा जाता है भाई दिल्ली फासलों का शहर है, मिलना जुलना बहुत, लेकिन भाई उस वक्त भी फासलों का शहर था। उस वक्त तो आने जाने की ये सहूलतें भी नहीं पैदा होती, तो मेट्रो भी चल रही है और इसके अलावा ये है कि बसें भी कम थी उस वक्त। लेकिन एक उस वक्त एक शौक था लोगों को मिलने जुलने का, एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे की जिंदगी में कुछ न कुछ हिस्सा दूसरों का भी होता था, और जाहिर है कि वो एक अजीबो गरीब कोया की दुनिया थी। स्वतंत्र प्रकाश की शख्सियत इनमें बहुत नुमाया थी, इस वजह से भी कि एक तो नए अफसाने की जो दाखवेल पड़ी, नई कहानी का जो सिलसिला शुरू हुआ जिसमें इन सब के नाम आते हैं, सुरेंद्र प्रकाश, खालदा हुसैन, अनवर सज्जाद, पल्लाज मैनरा, ये सभी लोग आ जाते हैं। मुझे इनमें खासतौर पर जो अगर कहानी के तौर पर देखूं तो बलराज से तो ज़ाती ताल्लुक बहुत रहा, आना जाना, मिलना जुलना, रोज़ का उठना बैठना तकरीबन मेरा और बलराज का। लेकिन ये कि जो अफसाना निगार मुझे खासतौर पर बहुत पसंद आए उनमें एक तो खालदा हुसैन और दूसरी सुरेंद्र प्रकाश हैं। सुरेंद्र प्रकाश का मामला ये था कि उसने, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान उसने ये कहा कि भाई मैंने जब इंतजार हुसैन की कहानी आप सुनी या पढ़ी तो मुझे ख्याल आया कि ये तो वो कहानियां जो मैं लिखना चाहता था। इंतजार साहब भी सुरेंद्र प्रकाश को बहुत पसंद करते थे, उसकी कहानियों को बड़े दिलदादा थे, और उसने वाकया ये है कि उस वक्त कुछ कहानियां जैसे खालदा हुसैन की मुश्किल से 12 कहानियां छपी थी जब बल्लाज मेहंदा ने मेयार में एक मजमून उन पर शाये किया, मुझे वो कहानियां ला के दी सारी की सारी, ज्यादातर सवेरा में छपी थी। उसी तरह स्वतंत्र प्रकाश का भी कोई मजमू उस वक्त तक नहीं आया था लेकिन दिल्ली की अदबी जिंदगी में उसकी हैसियत बड़ी मुस्तहकम हो चुकी थी। एक तो अपनी शख्सियत की वजह से, नहायत जिंदा दिल, शगुफ्ता मिजाज, लड़ाई झगड़े करने वाला भी उसी के साथ साथ, और हमेशा उस जमाने में गुफ्तगू भी जो होती थी उसकी सतह आज जो गुफ्तगू होती उससे बहुत मुख्तलिफ थी। उस वक्त लोग आमतौर पर अपने साथियों के बारे में गुफ्तगू करते थे, पाकिस्तान में क्या लिखा जा रहा है, वहाँ इंतजार हुसैन क्या लिख रहे हैं, अनवर सज्जाद क्या लिख रहे हैं, खालदा हुसैन क्या लिख रहे हैं, मुख्तलिफ उस जमाने के लिखने वाले, जो कहना चाहिए कि जो उस वक्त नए नए मुतारिफ हुए थे। और ये जमाना है समझिए आप 55 और 60 के आसपास का, यानी इंतजार हुसैन और फरतों हैदर तो आज़ादी के बाद ही इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए 50 के आसपास, और इनकी किताबें छप गई थी 50 के फौरन बाद ही, कहना चाहिए फरतों हैदर की किताबें भी, और फरतों हैदर की तो उससे पहले आ चुकी थी किताबें, अफसानों के दो मजमू शीशे के घर और सिद्धानों से आगे, और इसके अलावा इंतजार साहब की भी गली पूछे और ये किताबें गोया की। लेकिन सुरेंद्र प्रकाश का जो पूरा दौर है ये नई कहानी का दौर कहा जाता है। इस सिलसिले में एक बात तो आप ये याद कीजिए कि उस जमाने में जो अफसाने जो लोग लिख रहे थे उनमें बादशायर विक्रम कुमार पाशी ने कहानियां लिखी, हमारे यहाँ बल्लाज कोमल ने कहानियां लिखी, एक मजमुआ भी उनका छपा, बल्लाज कोमल का एक मजमून भी छपा उस जमाने में। शकून जाहिर है कि कहना चाहिए 60s में शकून का निकलना, और शकून का हमारी नए अदब की तारीख में बड़ा गैरमामूली रोल रहा है। ये समझिए कि उस वक्त नए ख्यालात से मुतारिफ कराने में जो रोल शकून ने अदा किया, शंसरावन फारूकी ने जो अदा किया, वो किसी और का रोल नहीं है। और जाहिर है कि उसके बाद और भी रसाले थे जो किताब निकल रहा था उससे पहले शकून के बाद, और भी पर्चे निकले, मसलन
कुमार पाशी ने एक रिसाल निकाला सतूर के नाम से, लेकिन ये कि दिल्ली में जो पूरा हलका था, जो पूरी जिंदगी थी उसकी, उन सब का शकुन से भी एक ताल्लुक कायम हो गया। बल्लाद महिंद्रा का तो नहीं, वो जरा अपने मामलात में अपने स्टैंड के सिलसिले में उनका जहन दूसरी तरह काम करता था। बड़े खड़े आदमी थे, बड़े सच्चे आदमी थे और बहुत अपने स्टैंड के सिलसिले में हमेशा बहुत वाजे रहे। लेकिन ये कि सुरेंद्र प्रकाश की कहानियाँ जब छपी, और जाहिर है कि उसकी दो कहानियाँ खासतौर पर जो बजूका छपी थी उस वक्त, और उसके बाद लेकिन शोहरत जो सच्ची बात थी कि बल्लाद महिंद्रा के रसाले शऊर की इशात के बाद सुरेंद्र प्रकाश को जो शोहरत मिली अपनी कहानी बाजगोई के जरिए। बाजगोई जाहिर है कि बहुत बाद में छपी ये कहानी, और इमरजेंसी की जो वारदात यहाँ हुई थी हिंदुस्तान में उसको मौजू बना करके उसने वो कहानी। बाजगोई पर ही उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड वगैरह मिला। खैर अब वो चीजें तो मुझे याद नहीं रहती अवार्ड वगैरह, लेकिन ये कि बाजगोई उसकी बहुत मशहूर कहानी थी, और उस कहानी की खूबी ये थी कि उस कहानी का एक सियासी इंटरप्रिटेशन भी आप कर सकते। ये वो जमाना था जब लोगों ने अदब के सियासी रोल के बारे में या अदीब की सामाजिक हैसियत के बारे में, अदीब जो वक्त अपना एक कहना चाहिए कि एक अपने अहद से, अपने अहद की तारीख से, अपने अहद की माशरती जिंदगी से किस तरह वो अवस्था रहता है, जिसको आप लोग कहते हैं जुड़ा रहता है, जो बहुत एक मुहावरा राहुल जायज हुआ है उर्दू में है, तो ये वाबस्तगी जो थी, इंगेजमेंट एक तरह का अपने ज़माने से, उसमें बाबा ये इसकी कहानी बाजगोई उसी में छपी थी, छपकून इसमें शऊर में छपी थी। और जाहिर है कि साथ छपने के बाद एक तहलका समझ गया था उस वक्त बल्लाद महिंद्रा ने, जो कहानी बल्लाद महिंद्रा को सलीका भी बहुत था और जाहिर है कि जो कुछ लिखते थे, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश से पूरी अदबी दुनिया शकून के वास्ते से उस वक्त तक मुतारिफ हो चुकी थी। और जाहिर है कि शकून ने जो बात बहसें शुरू की, मसलन एक बहस बलराज कोमल के एक मजमून में आई कि साहब अब नए अफसाने ने शायरी और फिक्शन के फर्क को मिटा दिया है। मेरा ख्याल है कि ये बहस एक फिक्रा कह लीजिए, इसे अच्छा फिक्रा है, लेकिन ये तो तमाम तख्लीकात जो होती हैं उनका जो भी उसलूब हो, जो भी हैत हो, किसी न किसी मरहले में, किसी न किसी सिलसिले में आप उनमें एक बाहमी रब भी तलाश कर सकते हैं, ये है। लेकिन ये कि शायरी शायरी है, फिक्शन फिक्शन है, और मेरा अपना ख्याल जाती तौर पर यह है कि ये वो ज़माना था जब शायरी की दुनिया में भी और फिक्शन की दुनिया में भी अलग अलग देखा जाए तो गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा हुई थी। शायरी में उस तक सोचिए आप कि अमीर हनफी थे, काजी सलीम थे, वहीद अख्तर थे, बल्लाज कोमल थे, कुमार पाशी थे, और उनसे नस्बता थोड़े से जूनियर लोगों में आप देखें तो शहरयार, आदिल मंसूरी, बहुत से शोरा उस ज़माने के, और मोहम्मद अलवी, ये तो खैर ज़ाहिर के खलील था वगैरह की उम्र क्या, खलनामा आज़मी उनमें एक कहना सीनियर नाम था, और ये लेकिन ये कि इसी तरह फिक्शन में भी जो लोग आए थे इन सब की अपनी अलग पहचान कायम हो रही थी, जिनमें ज़ाहिर के रामलाल और जोगिंद्रपाल भी अफसाने लिख रहे थे उस वक्त, और ये हमारे देवेंद्र सर भी अफसाने लिख रहे थे, और हिंदुस्तान में लिखने वालों में उस वक्त जो ख़ास नाम थे उनमें बल्लाद महिंद्रा, सुरेंद्र प्रकाश, और ये कहना चाहिए इकबाल मजीद, अनवर अजीम, ये सब उसी ज़माने में। एक वाकया और बहुत अजीब गरीब हुआ जिसने कहना चाहिए फ़िक्शन के बहसों को एक बड़ी एक तरीके मरकजियत हमारी अदबी माशरे में अता की, और वो वाकया था अलीगढ़ में सुरूर साहब की निगरानी में फिक्शन पर एक सम्मेलन। सुरूर साहब हमारे उन बुजुर्गों में थे जो कहना चाहिए कि जिनका जहन कभी पुराना नहीं होता, अपने वक्त के साथ साथ वो कहना चाहिए कि नज़र रखते हैं उन तमाम तब्दीलियों पर जो खामोशी के साथ हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं। कोई बड़ी वारदात तो अलग बात है, वो तो सभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन इन सुरूर साहब की खूबी ये थी कि मगरिब में, मशरक में, हिंदुस्तान में और यूरोप में जो अदब लिखा जा रहा था उस वक्त, उन सब के मैलानात से न सिर्फ ये की दिलचस्पी रखते थे, वाकिफ भी बहुत थे वो। और जाहिर है कि उन्होंने मेरी तो रहनुमाई भी कि मेरी डिलीट का सिलसिला दूसरे जमाने में चल रहा था जब सुरूर साहब मेरे निगरान थे, और जाहिर है कि मेरे लिए अमेरिका से किताबें बराबर गए थे कुछ अरसे के लिए, तो भेजते रहे अच्छी किताबें भी बहुत सी। और फिक्शन की जो बहसें सुरूर साहब ने उस सेमिनार के जरिए कहना चाहिए कि जिन बहसों को आगे बढ़ाया वो बड़ी गैर मामूली थी। खुद
سرور صاحب نے اس کا جو کلیدی مضمون لکھا تھا اس سیمینار کا, اس کا عنوان تھا فکشن کیا کیوں اور کیسے. تو ظاہر ہے کہ اس میں لکھنے والے جو آئے تھے تھا اس نے ایک عجیب و غریب مجمع تھا علی گڑھ میں. علی گڑھ کا شعبہ بھی اس وقت بہت کہنا چاہیے کہ فعال تھا, اور جس طرح شاعری میں ایک بڑا رول رہا تھا وہاں خلیل صاحب وغیرہ کا, اور علیم صاحب تھے, زاہدہ زہدی تھی, وحید اختر تھے, منیب الرحمان صاحب تھے, بہت لوگ تھے وہاں اس زمانے میں, وہ شہریار تھے. اسی طریقے سے فکشن میں سرور صاحب نے جو بحثیں وہاں شروع کروائیں, وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے اردو فکشن کے نام سے, اور اس میں بحثوں کا ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے. وہ اگر آج پڑھیں لوگ تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے افسانہ نگاروں نے زندگی کے بارے میں, معاشرے کی تبدیلیوں کے بارے میں, فکشن کے رول کے بارے میں, ایک انگیجمنٹ آف فکشن کیا ہوتا ہے, ایک ایسا جو غیر جانبدار فکشن ہو وہ کیا ہوتا ہے, فکشن کے اسالیب میں جو تبدیلیاں غیر معمولی ہو رہی تھیں. اب سوچیں کہ اس وقت ایسا فکشن بھی لکھا گیا جو واقعی دیکھنے میں نظم جیسا لگتا تھا, شاعری جیسا لگتا تھا, لیکن بہرحال بہت سی چیزیں اپنی انتہا کو پہنچنے کے بعد اسی تیزی سے غائب بھی ہو گئی. بلراج مہندرا کی کہانیاں جو ہیں ان میں جو کمٹمنٹ کا جو کہنا چاہیے کہ ایک نیا ایک رنگ ابھر کر سامنے آیا, پاکستان میں انور سجاد کے ہاں, خالدہ حسین کے ہاں, ہندوستان میں بلراج مہندرا کے ہاں, وہ بہت غیر معمولی تھا, اس کا بہت اثر پڑا. تو یہ ایک حلقہ بھی تھا یہاں جس میں سندر پرکاش اور بلراج مہندرا یہ سبھی شامل تھے, جو اس میں چھیڑ چھاڑ بھی ایک دوسرے سے ہوتی تھی, ایک دوسرے کے خلاف بھی لکھتے تھے, اور مثال کے طور پر انور عظیم سے بہت چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی. انتظار صاحب کے خلاف بھی انور عظیم نے زمانے میں لکھا, میمن کا ایک مضمون چھپا تھا ان کی انتظار صاحب کے یہاں جو کہنا چاہیے کہ یادوں کا کہ بازیافت کا جو سلسلہ ہے اس پر. لیکن سرندر پرکاش کی کہانی ایک ایسی کہانی کے طور پر سامنے آئی تھی جو سب کو اچھی لگی, وہ لوگ جو تبدیلیاں چاہتے تھے, اور وہ لوگ جو کہنا چاہیے کہ اس قسم کی تبدیلیوں کو جو کہنا چاہیے جو فیشن میں داخل ہوتی چلی جا رہی تھیں, اور اپنی انتہا کو پہنچ کر کے کہنا چاہیے کہ ایک افسانے سے بے رغبتی بھی انہوں نے پیدا کی. بہت سے ایسے لکھنے والے سامنے آئے جنہوں نے جس تیزی سے ان کا نام ابھرا اسی تیزی سے غائب بھی ہو گیا, ان کے مجموعے چھپ چھپے, اور اس کے بعد آج صرف ان کے نام شاید یاد ہو تو ہوں لوگوں کو, لیکن ان کے افسانہ نگاری پر کوئی بات چیت نہیں ہوتی. تو فکشن کو لیکن کہنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ایک واقعی ایک نئی سمت دی, ان میں میرا خیال ہے کہ یہاں سرندر پرکاش کا نام بہت واقعی ہے. اور سرندر پرکاش کی جو کہانیاں, کچھ کہانیاں سب اس کی ایسی, یعنی بجوکا اور بازگوئی تو بہت مشہور ہوئی تھیں, اس کے علاوہ اس کی کہانیوں میں مثال کے طور پر تلقارمس, کوکنس, اور دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم, دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم مجموعی تھا اس کا جو پہلا مجموعہ اس کا چھپا اسی نام سے چھپا تھا. لیکن اس کے علاوہ ساحل پہ لیٹی ہوئی عورت, رونے کی آواز, بہت سی کہانیاں جو زمانے کے ظاہر کے نام مجھے یاد نہیں رہتے, میں بھول بھی جاتا ہوں, لیکن سرندر پرکاش کی کہانیاں ایسی کہانیاں تھیں جو انتظار صاحب بھی بہت پسند کرتے تھے. ہمارے اس وقت نیر مسعود کا ورود اس طریقے سے نہیں ہوا تھا, نیر مسعود بہت دیر سے متعارف ہوئے افسانے کی دنیا میں, لیکن انتظار صاحب نے خود اس زمانے میں کبھی گفتگو کی تو کہتے تھے بھائی کوئی رسالہ آتا ہندوستان سے دیکھتا ہوں شاید اس میں سرندر پرکاش کی کہانی. یہاں بھی جب آئے انتظار صاحب اس زمانے میں, انتظار صاحب کے آنے کا سلسلہ یہاں شروع ہوا 1976 میں آئے وہ یہاں پہلی بار مارچ میں مجھے یاد ہے, اور جو پذیرائی ان کی ہوئی اس کے بعد یہاں ظاہر ہے کہ پاکستان سے آمد ہو رہا تھی, کچھ تھوڑی سی بڑی وزیر آوا ہے دوسرے زمانے میں. تو کہنا چاہیے کہ سرندر پرکاش ایک ایسا افسانہ نگار تھا جو ہر حلقے میں جس کو بہت دلچسپی کی اور تجسس کی نظر سے جس کو دیکھا گیا, اور اس کے افسانے واقعہ یہی تو پڑھیں آپ ایسا بلا کا اس کے. اچھا سرندر پرکاش کی باقاعدہ کہنا چاہیے تعلیم و تعلیم زیادہ نہیں ہوئی تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت واقف بھی نہیں تھا مغرب کے ادب سے, لیکن ایک اس کے یہاں اپج بہت تھی, اور اسی وجہ سے, اور پھر یہ کہ طبیعت میں تھوڑی سی شوخی بھی تھی, شرارت بھی تھی, اور یہ سب بھی تھا, تو چھڑتے میں رہتے تھے ان لوگوں کو, اور گفتگو میں تو سرندر پرکاش کا واقعی کوئی جواب نہیں تھا, گھنٹوں بیٹھے رہیے باتیں کرتے رہیے, اور وہ ایک عجیب و غریب زندگی تھا اس وقت, پورا ماحول جو تھا بہت یاد آتی ہیں وہ باتیں. سر یہ نئی کہانی جس کی طرف جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا, نئی کہانی پرانی کہانی سے جیسے منٹو اور اس زمانے میں جو لکھنے والے لوگ تھے, اس سے کس طرح مختلف ہے؟ نئی کہانی سے کیا مراد ہے؟ بھائی نئی کہانی سے مراد یہی ہے کہ ایک تو یہ دیکھیے کہ وابستگی کے مسئلے پر ایک نئے سرے سے غور و خوض لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا, اور منٹو بیدی, عصمت کرن چندر یا غلام عباس, حیات اللہ انصاری, زمانے کے اور جو لکھنے والے تھے, قدرت اللہ شہاب وغیرہ,
उनसे तो ये कहानी बहुत बहुत मुख्तलिफ है जी। बल्कि फिक्शन का जो सेमिनार अलीगढ़ में जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये सेमिनार जब हो रहा था उसमें हयातुल्लाह अंसारी भी शरीक हुए थे, काजी अब्दुल सत्तार भी शरीक हुए थे उसमें, यानी ऐसे लोग भी जिनका कहानी का जिनके उसलूब और जिनकी हैतें कहानी की बहुत पुरानी थी, आजमूदा जो नुस्खे थे पुराने कहानी के उन्हीं के मुताबिक लिखे गए थे। तो वहाँ एक खासी कहना चाहिए कि एक बहसें भी हुई और बहसों में एक बड़ी कहीं कहीं, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि तलखी वही नहीं पैदा हुई, तखीरें की लोगों ने, पुराने लोगों ने नए लोगों के खिलाफ की, नए लोगों ने पुराने लोगों की बड़ी खबर ली। और मैंने तो वहाँ उस जलसे की में बहसों के दौरान देखा एक मौके पर जब बल्लाज मैना ने अपना मजमून तंबोला पढ़ा वहाँ उसी संदर्भ में, और जहाँ उन्होंने खुद नए लिखने वालों का नए लिखने वालों का मजाक उड़ाया था जो कमिटमेंट वगैरह के मुखालिफ हैं, तो उस वक्त जो कहना चाहिए जिन लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया तालियां बजा करके, उनमें एहतशाम जैसा सिका नक़ाद भी शामिल था, यानी इतने जोश में एहतशाम साहब थे, ये हमारे अख्तर रहनवी साहब थे वहाँ पर, सरूर साहब तो थे ही वहाँ, और बाकी डॉक्टर मोहम्मद हसन और ये इस तरह काफ़ी लोग थे वहाँ। तो कहना चाहिए कि वो तो एक नई कहानी बहुत मुख्तलिफ, और वहीं से तजर्बे शुरू हुए, जो कहानी में तजर्बात का नए तजर्बों का सिलसिला शुरू हुआ। ये कहानी अपना रोल मॉडल न मंटो को न बेदी को कृष्णचंद्र किसी को नहीं, कृष्णचंद्र का असर बहुत था खामोश में दिखता था, खुद सुरेंद्र प्रकाश की कहानी में जबान की सतह पर देखिए तो एक रोमानियत जो कृष्णचंद्र के यहाँ दिखाई देती है वो असर आपको दिखाई देता है, लेकिन उसकी कहानियाँ असलूब के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ थी। इसी तरह बल्लाज मैना की कहानियाँ, खालदा हुसैन की कहानियाँ, अनवर सज्जाद की कहानियाँ, ये लोग जिन्होंने कहने थे नई कहानी को इस्टेब्लिश किया, जिसकी बुनियाद पर फारूकी साहब ने कहा कि अनवर सज्जाद को कि वो नए अफसाने का मेहमान आजम है। अनवर सज्जाद की खासतौर पर वो कहानियाँ जो कोंपल है, जर्फ कोंपल, और एक कहानी और जो मुझे बहुत पसंद है वो उनकी कहानी गाय है चौराहा है, ये सब बहुत मशहूर हुई थी उस वक्त। तो ये कहानियाँ पुरजमा हैदर इंतजार हुसैन की कहानी से भी बहुत मुख्तलिफ है, बल्कि बाकर मेहदी ने तो उसी जमाने में चहल पहल में भी बहुत हिस्सा लेते थे और उनके रहने से बड़ी रौनक हो जाती थी, वो भी आए थे उस सेमिनार में, और बल्ला उन्होंने बाकर मेहदी ने तो यहाँ तक कहा कि भाई इस वक्त नई कहानी को जो सबसे बड़ा कहना चाहिए कि जो सामना है उसका और जो मुकाबला है उसका वो तो इंतजार हुसैन की कहना चाहिए उस कहानी से है जिसमें असातीर का और उन चीज़ों का बहुत असर है। तो इस तरीके तो ये कहानियाँ मुख्तलिफ तो थी हर लिहाज सर, ये तजरीदियत और अलामती अफसाना और नई कहानी, एक बात ये कही जाती है अब भी कही जाती है, हालांकि बहुत ज़माना हो गया इन कहानियों को लिखे हुए, और उस ज़माने में तो हो सकता है कि मुश्किल रही हो समझने की, लेकिन अब भी ये कहा जाता है कि एक तरह से मुश्किल कहानियाँ, अलामती अफसाने, और जैसे शायरी का गुमान होने लगे चीज़ों पर, तो उससे कारी एक तरह से गुमराह भी हुआ। मुश्किल और आसान का तो ये फैशन भी बन गया था उस जमाने में, हर वो चीज़ जो जिसको भाई शायरी आला शायरी आला अदब जो होता है फिक्शन हो किसी भी है हो, वो जाहिर है कि वो एक जाहिर है कि इस तरह की चीज़ नहीं होती जो आप सुनते ही फौरन समझ लें पॉपुलर लिटरेचर की तरह, या ये कि लतीफ़े की तरह आपकी समझ में फौरन। तो ये तो जाहिर है कि उसके लिए आपको कुछ अच्छा फिर आपको अपना ज़ौक भी पैदा करना पड़ता है, जिस तरह नई शायरी को बतारीफ होने में देर क्या अच्छी बात कही थी लॉरेंस ने कि नई गज़ल की तरह नए ख्याल को भी लोग बड़ी मुश्किल से कबूल करते, नई गज़ा को भी लोग बड़ी मुश्किल से कबूल करते। फिराक साहब का एक शेर है कि मिटा है कोई अकीदा तो खून थूका है, नए ख्याल की तकलीफ उठी है मुश्किल से। तो उस ज़माने में जो कहना चाहिए अलामती और तजरीदी कहानी, तो खुद मैं उसका बहुत अब कायल नहीं हूँ, और ज़ाहिर है कि मैंने उस ज़माने में जो लोग लिख रहे थे उनको मैंने भी समझने की अपने तौर पर कोशिश की। मसलन रशीद अमजद लिख रहे थे पाकिस्तान में कहानियाँ, समी आहूजा साहब की कहानियाँ हैं उस ज़माने में, हमारे यहाँ जो मीम नाग और इस तरह के कुछ लोगों ने इस तरह की कहानियाँ लिखी थी, तो उनमें एब्स्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है कि कहानी गायब हो गई है। तो वो तो लेकिन ये कि इन लोगों की कहानी अगर आप पढ़ें, वाकई ये है कि खालदा हुसैन की कहानी, अनवर सज्जाद की कहानियाँ अगरचे ऐसी भी हैं जो बीमारियों के नाम पर उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, कार्डियोग्रामा और कहना चाहिए गैंगरीन और ये सब कहानियाँ जो हैं जो बल्लाज मैना ने इसमें छापी थी, जिसमें बीमारी को मेटाफर के तौर पर किस तरह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और जाहिर है तो उनमें तो तजरीदियत वगैरह बहुत थी, लेकिन ये कि ठोस और कहना चाहिए, हाँ ये ज़रूरी कि बयान का उसलूब बदल गया, यानी बयानिया जो है उसने एक दूसरी शक्ल अख्तियार कर ली जी। सर
किसी भी तख्लीक को जब तशरी की ज़रूरत महसूस होने लगे, ये वही सवाल जो मैंने आपसे अभी किया था उसी से मिलता जुलता सवाल है कि कहानी को अगर तशरी की ज़रूरत पड़ने लगे तो फिर एक तरीके से ये है कि जैसे आपने बताया कि फैशन के तौर पर भी कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, तो कहीं उस ज़माने में जो चीज़ें लिखी गई कहीं उनमें भी फैशन का दखल तो नहीं था? कुछ ऐसी चीज़ लिखें जो समझ में ना आए? देखिए, जो हकीकी सच्चा ऑथेंटिक अदब होता है और जो नकली अदब होता है उसमें फ़र्क बहुत जल्दी वाजे हो जाता है। और जहाँ तक यह है कि समझने की कोशिश क्या तशरीही किस्म की मवाद सामने आने लगे जिसमें ज़रूरत महसूस की जाने लगे, तो क्या आप गालिब को राइट ऑफ कर देंगे, इकबाल को राइट ऑफ कर देंगे सिर्फ इसलिए कि उनकी इतनी तशरीहात की गई, उनकी इतनी वजह? भाई गालिब की तो बताइए 100 से ज़्यादा तादाद है ब्याज़ों की, और कहना चाहिए कि जो शरहें लिखी गई गालिब की अब भी की जा रही हैं, तो गोया कि इसी बुनियाद पर क्या राइट ऑफ कर दिया जाए उसे? ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये समझना, हाँ, एक नए मेयार हर अदब का जो नया कहना चाहिए नमूना जो सामने आता है हमारे सामने, जो भी आता है अदब, और जहाँ कहना चाहिए कि किसी नए तजुर्बे की बुनियाद पर जो अदब लिखा जाता है वो अपनी शर्त पर अपने कारी से रिश्ता कायम करता है। ये थोड़ी होता है कि जो पुराना चला रहा है पढ़ने का समझने का अंदाज, आपने एसी ऑफ कर दिया जनाब और देखिए गर्मी का क्या हाल है। खैर, तो लेकिन ये कि ये सूरत हाल जो थी ये बहुत शरहें लिखी गई और बहुत से लोगों को समझने में दिक्कत हुई, लेकिन अब तो आप देखें तो अनवर सज्जाद की कहानियाँ शुरू में तो इंतजार हुसैन के पास कहानियाँ भी लोगों को मुश्किल लगती थी, ये सब था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि बहुत सी चीज़ें हैं जो अब आसानी समझ ली। जब मीरा जी और राशिद की शायरी भी समझी जाने लगी तो कहानियों का मामला तो यही कहानी तो बहरहाल कहानियों की। जी जी सर, जैसे शबखून का आपने जिक्र किया ख़ास तौर से, और फारूकी साहब और शबखून के ज़रिए जो चीज़ें हमारे सामने आई उस ज़माने में भी और अब भी, हम नाम तो लेते हैं सुरेंद्र प्रकाश का, बलराज मेहंद्रा का या अनवर सज्जाद का, लेकिन ज़्यादा जिक्र जो है वो शायरी का होता है। हालांकि उससे थोड़ा सा अगर हम पहले चलते हैं मंटो, तरक्की पसंद तहरीक तो नहीं लेकिन मंटो और बेदी और ये सब लोग जिस ज़माने में लिख रहे हैं उस ज़माने में शायरी का चर्चा कम और फिक्शन का ज़्यादा है, और उस ज़माने में अहम, ये अगर हम उस ज़माने के अहम लोगों के नाम लें तो यही 3-4 नाम हमारे सामने आते हैं। अच्छा, मुझे आपकी बात जो है उससे पूरी तरह इत्तेफाक करना मेरे लिए यूँ मुश्किल है कि मेरे ख्याल में उस ज़माने में भी भाई फैज साहब का बहुत जिक्र होता था, राशिद का बहुत जिक्र होता था, मीरा जी का एक दूसरे अंदाज में होता था लेकिन उनका भी जिक्र बहुत होता था, जाफरी साहब यहाँ जो बहसें करते थे तो शायरी की बहुत बहसें, सरदार जाफरी, महदूद मोहिद्दीन, मजाज, जज्बी, इन सब की बातें बहुत होती थी। तो ऐसा नहीं है कि फिक्शन के मुकाबले में ये शुरू हुआ और बाद में ये फिर शायरी का जिक्र बंद हो गया फिक्शन का। मसला ये, अच्छा, फिक्शन का भी ये हुआ कि देखिए मेरा तो अब भी ख्याल ये है कि उस ज़माने में जब अमीर हनफी की, अमीर शाह साहब की बड़ी पुरजोश बहस हुई थी इसमें शबखून में, नए टीशे नए कोहकन के नाम से जो मजमून था एक एहतशाम साहब का, और उस पर जो सिलसिला शुरू हुआ था तो शायरी पर ही बहुत बहसें हुई थी, और लेकिन ये कि उसी के साथ साथ मेरे ख्याल में फिक्शन के सिलसिले में भी, तो मैं तो नहीं समझता। अब ये ज़रूर है कि बहस का मौजू बनने वाले सब नहीं होते, कुछ होते हैं, लेकिन बहस का मौजू बनने वाले आज भी जो अहम नाम है सर उस ज़माने से अब तक, तो वो शायरी में बहुत अहम नाम हमारे सामने आते हैं, चाहे वो इरफान सिद्दीकी हों, चाहे वो शहरयार हों, साकी फारूकी हों, फिक्शन का मामला वो नहीं है। इंतजार हुसैन और ऐनी आपा के बाद अगर आप इंतजार हुसैन ऐनी आपा नहीं तो लोगों ने पढ़ा नहीं ना बहुत सी चीज़ें। अब आप देखिए इस ज़माने में जो फिक्शन लिखा जा रहा है, यानी सुरेंद्र प्रकाश का तो इंतकाल हो गया, बहुत से दिल्ली तो वीरान हो गई, यानी बल्लाज महंगा रुख्सत हो गए, उससे पहले महमूद हाशमी, और मैंने पूरा हल्का जो था उनका सुरेंद्र प्रकाश का, लेकिन यहाँ जो इस वक्त भी अफसाना लिखा जा रहा है, क्या समझते हैं आप एक रामुल्ला के पाए के लिखने वाले कितने हैं हमारे यहाँ, लेकिन कितने लोग उनकी तहरीरें पढ़ते हैं? जी, एक रामुल्ला की कहानियाँ, मसूद अशर ने जो कहानियाँ लिखी सियासी कहानियाँ हैं, असद मोहम्मद खान लिख रहे हैं पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि इस तरह। अच्छा, दिलचस्पी की बात है, बहुत से लोग शायरी नहीं पढ़ते, वो फिक्शन पढ़ते हैं, और शायरी का चर्चा कुछ इसलिए भी ज़्यादा होता है कि मुशायरे होते हैं यहाँ वहाँ। अच्छा, शेर पढ़ना, याद रखना, शेर के बारे में लिखना,
लेकिन इस वक्त भी जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे लिखने वाले हैं और उनका जिक्र हो रहा है। कोई मसलन ज़किया मशदी की कहानियाँ हैं, सिद्दीक़ आलम की कहानियाँ हैं, खालिद जावेद की कहानियाँ हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ की कहानियाँ हैं, ये लिखी जा रही हैं। उन पर बातें भी होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है खुद पाकिस्तान में। लेकिन ये कि मैंने तो ये महसूस किया कि सच्ची बात यह है कि लोग शायरी और अफसाना कम पढ़ते हैं, खतूत वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं। मैंने देखा कि तनकीदी मज़ामीन भी पढ़ लेते हैं। तनकीदी मज़ामीन तो कोई नहीं पढ़ता, मेरा ख्याल है। मैं खुद तो नहीं पढ़ता कभी, और ज़ाहिर है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कि हर रिसाला मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने तो उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ से खतूत शुरू होते हैं और गुफ्तगू शुरू होती है एडिटर के दायरे से लेकर के उसके बाद पढ़ने वालों के बारे में, लिखने वालों के बारे में मुख्तलिफ आरा से, तो ये सब लोग देखते हैं। सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि एक तरह से नई कहानी पे ये ऐतराज़ भी किया जाता है कि तारीख नहीं मिल पाया। ये सही, बड़ी हद तक सही है, लेकिन शायरी के मामले में तो ये बात हुई। शायरी भी जाहिर है कि भाई आपने चंद नाम लिए शायरों के, लेकिन मुझे जो शायरी बहुत सी पसंद है मैं उनका जिक्र तो कभी नहीं सुनता। मसलन मुझे अब्दुल रशीद की नज़में बहुत पसंद है। मुझे कहना चाहिए कि हमारे ज़माने में ज़ाहिर डार तो नहीं लिख रहे हैं, अब कहते हैं डायरी लिखता हूँ, पता नहीं डायरी में क्या लिख रहे हैं, कब सामने आएगी वो। लेकिन जैसे अब्बास सफ़र अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, कितने लोग जिक्र करते हैं इन लोगों का, मोहम्मद सलीमुर्रहमान के कितने लोग जिक्र करते हैं, बाकी इरफान से अशार याद हो जाते हैं ना, मुझे भी याद है, बहुत शेर याद है। मैंने तो अपनी ज़माने तालिब इल्मी में करके ये लड़कपन के ज़माने में स्कूल डेज में जो नज़में पढ़ी थी लंबी लंबी, साहिर वगैरह की, फैज़ साहब की नज़में, वो तक याद है अभी। तो शायरी के बारे में गुफ्तगू शायद आसान होती है शेर सुनाना, शेर सुनना और शेर का याद हो जाना, शेर का याद हो जाना। अब बहुत से लोग तो क्योंकि नसरी नज़मों का दौर ये चल रहा है, तो हमारे बहुत से बुज़ुर्ग शुरा हैं वो तक ये कहते हैं कि साहब जो शायरी याद में रखी जा सकती है वो शायरी कैसे हो गई। इस तरह की बातें होती हैं बहुत सी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन गुफ्तगू तो चलिए हम सुरेंद्र प्रकाश को याद कर रहे थे तो जी उससे ना बैठ के तो बेहतर। जी जी जी, सुरेंद्र प्रकाश के हवाले से आपकी उनसे मुलाकातें भी रही हैं, जैसे शुरू में भी आपने बताया कि वो यहाँ आते थे, आपके करीब रहते थे, उनकी राइटिंग के अलावा कुछ आप शेयर करना चाहें अगर? देखिए, राइटिंग के अलावा मैं तो किसी भी शख्स की सिर्फ राइटिंग मेरे दिल में आती थी कभी, मैं तो पूरा ही वो शख्स जो है पूरी तरीके से। सुरेंद्र प्रकाश यहाँ रहते नहीं थे, रहते तो बहुत दूर थे यहाँ से, और उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी थी उन्होंने दिल्ली छोड़ ली, लेकिन यहाँ उनकी ससुराल थी, मैंने कहा ससुराल जी जी, वहाँ आया करते थे जी, हमारे घर के करीब जी, तो उस तरह आना जाना। मैं शाम को, आपको पता है कि एक पार्क में टहलता हूँ जा करके, आपके यहाँ घर के पास वाले पार्क में, उस ज़माने में जिस ज़माने का मैं जिक्र कर रहा हूँ सुरेंद्र प्रकाश के आने जाने का, तो अशोक पार्क में टहला करता था जो नई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जस्ट अपोजिट है, तो वहाँ जाहिर है कि अक्सर तो शाम के वक्त वो कहीं और मेरे घर आने के बजाय सीधे वहीं पहुँच जाते थे पार्क में, कि कहीं ना कहीं मैं सैरतदमी करता हूँ उनको नजर आ जाऊँगा। वो महमूद हाशमी आ जाते थे, आते थे, बैठते थे, बातें करते थे। उस दौर में लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। अच्छा, एक दूसरी बात जो फ़र्क पैदा हुआ है, गोलचा की इमारत से मुझे जो कॉफ़ी हाउस था और वहाँ बैठने वालों में उस ज़माने में विष्णु प्रभाकर हिंदी के अदीबों में, और कहना चाहिए कि बहुत सौमित्र मोहन, ये लोग भी थे, उर्दू के अदीब भी थे, तो वो एक फ़ज़ा ही बिल्कुल दूसरी थी। और सुरेंद्र प्रकाश की और बल्लाज मेहंदा की दोस्ती बहुत थी, पैसे भी बहुत होती, तभी गिलास भी टूटते थे कभी कभी इन लोगों के, और ज़ाहिर चीखना चिल्लाना ये सब भी शुरू हो जाता था, और इस तरह की बहुत सी बातें थी। मैंने फिर सुरेंद्र प्रकाश की बीमारी का सिलसिला जब शुरू हुआ, उस ज़माने में वो बम्बई में थे, घर से बम्बई मैंने देखा कि वो दौर भी देखा मैंने, मैं जाया करता था वहाँ यूनिवर्सिटी का जो कालीना का कैंपस है वहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, मैं अक्सर वहीं ठहरता था, और उसके पास ही इनका घर था सुरेंद्र प्रकाश का, तो शाम को मैं अक्सर अपने कमरे से निकलता था, ठहरता था वहाँ, और मैं टहलता हुआ चला जाता था इनके यहाँ। सुरेंद्र प्रकाश को लोगों से मिलना भी अच्छा लगता था, और उसको खाने पीने का भी बहुत शौक था, कुछ जिक्र उसने भी किया, इंतज़ार साहब ने भी जिक्र किया है अपनी जगह कि वो खुद पकाने का भी उसको शौक बहुत था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं शायद मॉरिशस जा रहा था, तो मैं वहाँ ठहरा हुआ था दो एक दिन के लिए, तो सुरेंद्र प्रकाश ने कहा कि ऐसा कि शाम को मैं तुम्हारे लिए खाना अपने हाथ से पका रहा हूँ। चुनांचे माश की दाल जो इंतज़ार साहब ने अपने सफ़रनामे में उसका जिक्र किया है,
उसने माश की दाल भी पकाई और बहुत सी चीज़ें और बहुत उमदा है। लेकिन ये कि फिर उसी ज़माने के वो वक्त गुजरने के साथ ही मैंने देखा कि बनारस वहाँ बम्बई का जो हलका था वो भी रफ्ता रफ्ता बिखरने लगा, और वहाँ के अफसाना नगारों में ज़ाहिर किशन प्रकाश की बीमारी के दिनों में भी दिलों के एक दूसरे को अली इमाम नकवी थे, अनवर खान थे, अनवर अमर तो अब भी हैं, और जो कहना चाहिए कुछ जमाने के मुश्ताक मोमिन थे, ये सब एक दूसरे से मिला करते थे। फिर मैंने देखा कि बीमारी ने उसको घूम की तरह खा लिया, अनवर सज्जाद हरीश को, सुरेंद्र प्रकाश को, और बीमारी का असर ये हो गया था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। उस ज़माने में मैंने उसकी बीमारी का जो आलम देखा तो वाकई मुझे तशवीश होने लगी थी। ज़ाहिर उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई थी, लिखना भी उसने बंद कर दिया था, फिल्मों के लिए कभी कभार लिखता था, बाकी अब उसके बच्चे काम कर रहे थे, बेटी और बेटा, एक दो बेटियां और एक बेटा है, फिर वो लोग काम कर रहे थे, फिल्मों की वाबस्ता थी, एक बेटे का ताल्लुक तो हॉलमार्क फोटोग्राफी वगैरह से था कुछ, और बेटी भी इसी तरीके से किसी शोबे से मुतल्लिक थी, ये लोग काम करते थे। तो वो तो ज़माना कहना चाहिए कि बल्लाज महंगा यहाँ दिल्ली में रह गए थे, तन्हाई के शिकार वो भी एक तरीके से, और सुरेंद्र प्रकाश मुंबई चले गए थे बीमारी में ज़ाहिर, लेकिन वो लोग वहाँ के अफसाना नगार बस सुरेंद्र के पास जाया करते थे, बैठते थे, बातें होती थी, और सुरेंद्र को एक कहना चाहिए कि उससे लोग मोहब्बत करते थे, पसंद करते थे। सर एक अमीर हमजा का एक सवाल है जी, सर से मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर सुरेंद्र प्रकाश या उन जैसे अफसाना निगार उतनी शोहरत हासिल नहीं कर सके जिस कदर उनका कद है। पता नहीं भाई, हमारे जहन में तो उनका कद वगैरह पैमाइश में इस तरीके से घटता नहीं कभी, लेकिन मेरे जहन में तो जाहिर उनकी वही अहमियत है जो जिसका उन्हें हक पहुँचता है। और अगर मैं आपसे जिक्र करूँ उनके साथ साथ अनवर सज्जाद का या बल्लाज महंगा का या खालदा हुसैन का, जो मेरी पसंद के अफसाना जी ये सबके या नैयर मसूद का, तो कितने लोग जिक्र करते हैं जी। इसके बावजूद मेरा ख्याल है सुरेंद्र प्रकाश का जिक्र तो बहुत हुआ, फिर भी बहुत जी। लेकिन सुरेंद्र प्रकाश को खुद भी ये शिकायत रही सर, मैं आज कहीं एक रिसाले पर पढ़ रहा था, ये देखिए लिखने वाले को, अगर लिखने वाले का ये मसला है जी कि वो ये देखे कि कितने लोग उसकी दाद दे रहे हैं, कितने लोग ना। हमारी कोई किताब छपी, कोई मजमून छपा, उसके बाद वो हमारी चीज़ नहीं रह जाती, करने दीजिए बातें। मैं तो खैर सच्ची बात बताऊँ आपसे कि इस मामले में ज़्यादा ही कुछ कहना चाहिए कि सख्त वाकई हुआ हूँ, मुझे अपनी तहरीरों के बारे में गुफ्तगू करने से कोई कभी दिलचस्पी नहीं रही, और जाहिर है कि मुझे कभी परवाह नहीं होती कितने लोग उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे ये सब। लेकिन ये कि कितने लोग ये इस किस्म की बहसें जो होती हैं, और अच्छे लिखने वालों को क्या मंटो के बारे में बातें जो होती हैं, तो आप समझते हैं कि बेदी के बारे में भी उतनी होती नहीं होती, किस्मत आता के बारे में भी उतनी नहीं होती, पुरतम हैदर के बारे में, इंतजार हुसैन के बारे में, ज़ाहिर के दूसरे मसाइल ज़्यादा आ जाते हैं। इंतजार साहब को जिक्र आएगा, लोग हिजरत और उनका नकल मकानी यहाँ से चला जाना लाहौर, और उसके बाद उनकी बहुत सी बहसें तरफ पसंदों से हुई या आपस में जो बहसें हुआ करती थी। तीसरे मजमू में मुझे याद है आखिरी आदमी में उन्होंने नए अफसाना नगार के नाम एक ख़त जो उनके शामिल कुलियात में भी बल्लाज महंगा को मखातिब करके लिखा था, लेकिन उनके बहुत पसंदीदा अफसाना नगार सुरेंद्र प्रकाश थे, और सुरेंद्र प्रकाश को बहुत पसंद था, सुरेंद्र प्रकाश को बाद में नैयर मसूद यानी आखिरी दिनों में सुरेंद्र प्रकाश का इंतकाल भी जमाना हुआ हो गया। तो इन लोगों का अमीर हमजा साहब, मुझे हैरत होती है कि हमारे तालिबे इल्म जब, अब भाई अव्वल तो ये कि इन लोगों के बारे में जिन रसायल में गुफ्तगू होती है वो रसायल पढ़ने की आदत डाली, यानी मसल पाकिस्तान में इससे जो पर्चे आते हैं और जिनमें जो बहसें होती हैं ज़्यादा, एक तो आसिफ के रसाले में दुनिया आज़ाद में बहसें होती हैं, कभी कभी सवेरा में, अब सलीम रहमान निकाल रहे हैं सवेरा, ऐसे रसाले पढ़िए, शकून बंद हो गया, किताब बंद हो गया, तो हमारे यहाँ भी इस तरह के रसाले तो रहे नहीं, तो ज़ाहिर है कि लिखने की जब तक ये रसाले थे, और ज़ुबैर का रसाला था यहाँ ज़ैन जदीद, तो सुरेंद्र प्रकाश वगैरह के बारे में बातें खूब होती थी। अब ज़ाहिर की कोई उस तरह की गुफ्तगू तो नहीं हो सकती जिस तरह आप कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये ललक भी क्यों पैदा होती, मुझे तो अमरजीत अमजद की वो नज़्म बहुत अच्छी नहीं लगती, आटोग्राफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब वो क्रिकेट के खिलाड़ी का आटोग्राफ लोग लेते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए लिखने वाले का, तो लिखने वाले की शोहरत दूसरी तरह की होती है, और ज़ाहिर है कि उसका जिक्र अगर
हर हलके में होने लगे तो उसकी इससे उसका उसके हशर से डरना चाहिए, और मुझे वहशत होती है अगर ऐसे लोग भी इल्मों का जिक्र करने लगे जो कहना चाहिए जैसे गुलशन नंदा को जिक्र करते हैं या उससे ऐसे करने वालों का, तो बहुत फ़र्क होता है। सर, ये नई कहानी, तजरीदियत, अलामती अफसाना, ये सब चीज़ें, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम जब उनका पहला अफसानवी मजमू आया, या वही कहानी दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम ही, वो आज भी बहुत मुश्किल से समझ में आती है। किसकी समझ में मुश्किल से? जी मतलब आदत डालिए, देखिए हमारे ज़माने में आप सोचिए कि अब जैसे अहमद मुश्ताक ने तर्जुमा किया उसका जो खुदे सारो का नॉवल जो जी उसका तर्जुमा भाई उसको पढ़िए तो कितने लोग समझते, गोरखस को कितने लोग समझते, कोई फौरन समझ में आ जाना ज़रूरी नहीं है किसी को पढ़े। लेकिन उसी जब सुरेंद्र प्रकाश उसके बाद लिखते हैं, बजूका लिखते हैं, तो वो कहानी जो है वो अपनी पिछली कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कहाँ मुख्तलिफ, बजूका में भी उन्होंने बयान का, बल्कि वो तो बड़ी सीधी सादी कहानी है जी, मतलब बाद में आके वो सीधी कहानियां लिखने लगे क्या ऐसा? नहीं, और भी कहानियां बाद में, मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने वैसी कहानी, अब इंतजार हुसैन की कहानियां जो बल्कि शुरू में मुझे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज रखता था उनका, बाद की कहानियों में इंतजार हुसैन के एक तरीके की अलामतियत पैदा हो गई है और जिससे वो लुत्फ लेने लगे हैं, और जो कहानियां उन्होंने लिखी हैं इसके असर, जातक के असर से, या कहना चाहिए कि महाभारत के को जब उनसे इंस्पायर हुए बहुत ज़्यादा, और बहुत सी कहानी जवाला का बेटा वगैरह जिस कहानी है, तो आप देखें मसला ये पैदा होता है कि कुछ हमें नई चीज़ें और मुश्किल चीज़ें पढ़ने की आदत भी डालनी चाहिए, फौरन जो पढ़ते ही एक कहना चाहिए कि बहुत से अशार हैं जो, अब ये तो शेर दरअसल हैं वही हसरत, सुन पढ़ते ही या सुनते ही दिल में जो उतर जाए एक तरफ वो होता है, लेकिन ये उसी में कितने अच्छे शेर ऐसे हैं जो गालिब के मिसाल के तौर पर आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, एक किस्म की कहना ऐसी गुत्थी होती है जो आपको सुलझानी पड़ती है अपनी कोशिशों से, कारी को भी तो बदलना चाहिए ना कुछ जी। और तो ऐसा नहीं, हमारे ज़माने भी जो लिखने वाले हैं उनकी कहानियाँ इतनी सीधी साधी और इतनी आसान तो नहीं है, आज भी जो लोग लिख रहे हैं जैसे खालिद जावेद की कहानियाँ हैं, ज़किया मशदी की कहानियाँ हैं, सदीक आलम की कहानियाँ हैं, बहुत संजीदा लिखने वाले ये लोग हैं, और बहुत तो इनके समझने में क्या दिक्कत होती है किसी को। सुरेंद्र प्रकाश भी उसी तरीके से मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं उनकी लोगों के लिए जी। एक अली मोहतशिम साहब हैं, वो ये लिख रहे हैं कि अगर अच्छे राइटर का जिक्र समाज के हर हलके में होने लगे जी। तो ये राइटर की बदकिस्मती है। ठीक लिख रहे हैं, मेरा ख्याल है ठीक है, यानी उसने यकीनन शोहरत का कोई ऐसा नुस्खा उसके पास आ गया है जहाँ लोग उसको जाहिर है कि हर किस्म का भाई हर तरह के बहुत सी चीज़ों के लिए आपको उसका ज़ौक पैदा करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में अली मोहतशिम साहब के वास्ते में पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, हर हलके में जिक्र नहीं होना चाहिए, और हर तरह का पढ़ने वाला जिस चीज़ को पसंद करे, तो ये तो कोई भाई उस आने में कहना चाहिए कि एक जब ये मंटो बेदी इस्मत प्रेमचंद लिख रहे थे उस वक्त अख्तर आदिल रूप, आदिल रशीद और दत्त भारती और इस तरह के लोग भी, गुलशन नंदा भी लिख रहे थे, और प्रेमचंदर ने एक मौके पर कहा था कि भाई किताबें तो उनकी बिकती हैं और वो लिखते हैं जिनके एडिशन 50-50 हज़ार के छप रहे हैं, ये सूरत हाल थी। तो संजीदा अदब तो पढ़ने वाले हमेशा कम होते हैं, मुझे नहीं ये मालूम कि खालिदा हुसैन ने किधर जो कहानियाँ लिखी हैं, अब तो खैर दिक्कत होती है किताबों का आना जाना भी मौकूफ़ है, मैंने जो उनके जो मजमू 3-4 जो पहले हैं ख्वाब में हनूस शायद आखिरी मजमू मैंने उनका देखा था, और गार्डन शीशा घाट कागजी घाट ये जो उनका नावल आया था वो देखा था, तो लेकिन मैंने किसी हद तक उनका जिक्र नहीं सुना, तो क्या मैं अपना फैसला ये फ़र्ज़ कर लूँ कि साहब वो हमारे ज़माने की बहुत मुमताज़ लिखने वाली नहीं, मेरा तो ख्याल उस पाई की लिखने वाली उर्दू में जैसे दूसरी कुरतुल्लाह हैदर नहीं पैदा होगी, वैसे दूसरी खालिदा हुसैन भी आपको नहीं मिलेगी, और बल्कि ये सब लिखने वाले ऐसे हैं सर, सुरेंद्र प्रकाश, बल्लाज नंदा, अगर आप देखें अनवर सज्जाद के, इंतज़ार साहब, इन लोगों के जाने से जो सन्नाटा छाया है इनकी जगह लेने वाले आपको मुश्किल से मिलेंगे, नए लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 मेरी फहरिस्त हमेशा बहुत महदूद होती है, उसमें 3-4 के बाद मुझे दिक्कत होती है कि मैं किसकी चीज़ें, कभी किसी की कोई एक कहानी अच्छी लग गई
कभी एक नज्म अच्छी लगी, कभी एक गजल अच्छी लगी, लेकिन ये पहले तो पूरा पूरा कलाम, पूरी शायरी, जो कुछ वो लिखते थे उन सब की एक मानी बनते थे, तो कम होता है। सर एक आखिरी सवाल जी, तरक्की पसंद तहरीक का जमाना, जिस तरह वो यकसानियत का शिकार हुए, एक ही तरह की कहानियां या एक ही तरह की शायरी या मैनिफेस्टो के जेर साया लिखा जाने वाला अदब, और नई कहानी, नई कहानी में भी सर आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि नई कहानी में भी धीरे धीरे वही इंसानियत, एक ही तरह के मौजूद, एक ही तरह। देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का जिक्र मैं रवारवी में नहीं करना चाहता बिल्कुल, इसलिए कि वो हमारे अदब की सबसे बड़ी तहरीक थी और उसने उर्दू के फिक्शन को, उर्दू की नज्म को खासतौर पर बनाने में जो रोल अदा किया है, जिस तरह उसकी रवायत मरतब की है, किसी कहना चाहिए कि बहुत गैर मामूली रोल उसका रहा है। और तरक्की पसंद अदब की पूरी तहरीक, और आज का अदब भी बहुत से मामले आते हैं, फिर देखिए एक नए लिखने वालों में एक यहाँ कहना चाहिए कि जाहिर है वो रिजुवेनेशन तो नहीं जो तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने उरूज में आपको दिखाई देता है, तो यानी उस वक्त ये हो रहा था कि भाई हयात के मबाहिस बिल्कुल, सरदार जाफरी वगैरह ने बहुत मजाक उड़ाया इन बातों का, लेकिन ये कि अब रफ्ता रफ्ता ये हो रहा है कि हमारे यहाँ अदब के मकसद का, अदब के समाजी रोल का, अदीब के समाजी रोल का एक नया इंटरप्रिटेशन, एक नई ताबीर उसकी की जाने लगी है। यकसानियत तो जाहिर है कोई भी चीज़ जब धीरे धीरे हम कहना चाहिए हर चीज़ जो होती है अपनी तकरार की वजह से कभी कभी हमारे लिए हो जाए, लेकिन इस वक्त भी जो कहना चाहिए कि अदब लिखा जा रहा है, आला अदब मुझे वही नज़र आता है जिसमें तरक्की पसंद अनासिर भी पाए जाते हैं एक नई सतह पर। जाहिर है कि उनकी तरक्की पसंदी उस तरह की नहीं है जिस तरह की तरक्की पसंदी हंसराज रहबर की या जाफरी साहब की थी या मुमताज़ हुसैन साहब की थी या एहतिशाम हुसैन साहब की थी ये, लेकिन ये सब लोग बड़े मोहतरम लोग थे और इन लोगों ने अपने ज़माने में एक बड़ा तारीखी रोल अदा किया है। तो बाद में यकसानियत का जहाँ तक ताल्लुक है तो जाहिर है कि, लेकिन इन लोगों के यहाँ भी तब्दीलियाँ हुई हैं। सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी की इब्तदाई राय थी अपने क्लासिकी अदब के बारे में, आखिर में वो नहीं रह गई थी। और जाहिर है कि इसी तरीके से नए लिखने वालों का मामला भी ये रहा कि शुरू में एक तरह की इंतहा पसंदी, और मुझे तो बहुत वहशत हुई कभी कभी, मसलन उसी जमाने जब तरक्की पसंदी और नई शायरी और नई नई कहानी में वैसे जारी थी, एक शेर कहा फजल ताबिश ने, मैं अपने लाश की बदबू से भागा फिरता हूँ, वो कह रहे हैं रवायत का एहतमाम एहतराम करो, तो मुझे बहुत बुरा लगा था ये शेर। सच्ची बात यह कि ये अपोलोनियर का एक कहना चाहिए कौल भी, मुगली तबस्सुम ने अपने शेर हिकमत के एक कहना चाहिए इदारिये में इस्तेमाल किया था कि ये, लेकिन ये कि ये इंतहा पसंदी नए लिखने वालों के यहाँ भी पैदा हुई और मेरे जहन में कभी उसका कोई बड़ा एहतराम नहीं रहा। ऐसे लोग जो फैज साहब का, जाफरी साहब का, मंटू का, बेदी का, इस्मत का जो रोल रहा है गैर मामूली रहा है, और शायरी में भी तरक्की पसंद शायरी और तरक्की पसंद अफसाना दोनों, इसी तरह नई कहानी और नई शायरी का मामला भी रहा कि यकसानियत वहाँ भी पैदा हुई। बहुत से लोग वही तन्हाई, वही चला जाना, गुमशुदगी और नए माशरे का तन्हा आदमी, मैं कभी कभी हैरान होता था कि ऐसे लोग भी तन्हाई का जिक्र करते हैं जिनको मैंने कभी तन्हा नहीं देखा, और जो कभी मैंने नहीं देखा कि साहब तन्हाई तो बड़ी कीमती चीज़ है, बल्कि मैंने तो जमाने का फोन लिखा था कि मेरी तलाश तो तन्हाई की तलाश है, तन्हाई से भागता नहीं हूँ मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, और ये मजमूनी शकूनी में छपा था। जाहिर है कि उसमें एक अलग मसला, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की बात है। हर मैलान, हर तहरीक जो होती है जदीदत, एक मैलान थे उसमें हर तरह के लिखने वाले थे, यानी तरक्की पसंद अनासिर रखने वाले भी और उनसे मैं जो लोग इख्तलाफ रखते थे वो भी, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ दिनों के बाद लोग उससे उकताने लगे और बहुत सी चीज़ों से, और मेरे ख्याल में अपना मुहासबा भी आदमी को करते रहना चाहिए बाजदीद। मैंने खुद जदीदियत पर जाहिर है कि जो कुछ काम किया वो तो सामने आए, लेकिन मैंने बाजदीद भी उस पर, और बेसिक जो मेरे कहना चाहिए मुकदमात थे उनके सिलसिले में आज भी उन्हीं पर कायम हूँ। उनका इंटरप्रिटेशन उस वक्त गलत किया गया था, मैंने तो लिखा भी था कि नई नया अदब जो है एक नई हकीकत पसंदी की तलाश में है, और जाहिर है कि नई हकीकत पसंदी से मुराद पता नहीं इन लोगों ने क्या समझा उस वक्त, कि बड़े यानी उस किताब के पीछे पड़ गए बहुत से लोगों ने तनखीद देखी, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो इस्तलाहें जो मैंने इस्तेमाल की थी फराग दिली के साथ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने PhD के थीसिस बहुत से देखे जिसमें सफ़े के सफ़े भी उसी से नफ़ किए गए, लेकिन ये कहीं ये सब जिक्र नहीं। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा पढ़ने वाला वो होता है जो इंतखाब करता है चीज़ों का, अच्छा लिखने वाला भी जो होता है वो किसी एक रंग में बहता नहीं है, अपने लिए खुद
एक इंतखाब करता है। सर, नई कहानी में सुरेंद्र प्रकाश को आप कहाँ पे रखते हैं? मेरा ख्याल उसके बुनियाद गुजारों में बहुत जो अहम तरीन उसके मेहमान हैं नई कहानी के, यानी कुरतुन हैदर, इंतजार हुसैन के बाद के दौर पर जब आप नजर डालते हैं तो उसमें जो सफ़े अव्वल के नाम हैं उनमें सुरेंद्र प्रकाश का नाम है। लेकिन उसमें कई नाम ऐसे भी हैं आज के कहानी लिखने वालों में जिनका कोई जिक्र नहीं मैं सुनता कभी, मसलन एक रामुल्ला का जिक्र मैं नहीं सुनता कभी जी, और मुझे हसन मंजर का जिक्र जितना होना चाहिए उससे कम होता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, ये तो कहना चाहिए कि एक अजीबोगरीब सिलसिला है। अदब पर गुफ्तगु भी जारी है, गर्मी ने हाल मेरा खराब कर रखा है जी। सर बस अब हम कर दिया बस, अब आप इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। लेकिन जिन लोगों पे, जैसे आपने फरमाया सर, जिन लोगों पे गुफ्तगु नहीं होती है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उर्दू घर के लिए हम आप ही को जहमत दें और उन लोगों का जिक्र हो, लोगों पे बात की जाए। उर्दू घर है, लेकिन बहरहाल ये घर जो है आपके लिए, इसके दरवाजे खुले हुए हैं, आप जब चाहें तशरीफ लाएं। और मुझे तो अच्छा लगेगा कि आप उन लोगों के बारे में बातें करें जिनकी गुफ्तगू कम होती है जी सर, क्योंकि हमारे ज़माने में किताब भी प्रोडक्ट बन चुकी है। बहुत से लिखने वाले तो ऐसे भी हैं जो अपना ढिंढोरा खुद पीटते हैं और जाहिर है कि वो दूसरे को मौके नहीं देते कि उन पर बात करें, तो खुद इतनी बात करते रहते हैं अपने बारे में। मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जी। और मैं चाहता हूं कि किसी ऐसे लिखने वालों ही का जिक्र ज़्यादा होना चाहिए जिनके बारे में ये एहसास हो कि हमने उन्हें दरियाफ्त किया है या तलाश किया है। और जाहिर है कि आप बिल्कुल आप आएँ और उनके बारे में बातें करें। कल देवेंद्र सत्यार्थी की योम पैदाइश है, तो इंशाल्लाह कल हम फिर आपको सहमत देंगे। सत्यार्थी पर तो आप, मेरा ख्याल ये है कि बात करें तो वक्त से मैं बेनियाज हो जाऊंगा बिल्कुल, और जाहिर है कि जितनी देर तक उन पर बातें हों। एनेक्डोट्स बहुत याद आते, वाकयात बहुत से याद आते हैं, लेकिन जाहिर है कि मैंने इसको ये भी नहीं करना है कि भाई कोई पंचायत घर नहीं बनाना है तो, लेकिन कल उन पर बातें करेंगे जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका इस गर्मी में जिसमें आप भी मुब्तला रहे और मुझे भी आपने सजा दी।